हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, फिर आपकी क्लास को लेते हैं। गुड मॉर्निंग कृष्ण कश्यप जी, एक बार जल्दी से जल्दी सारे जुड़ जाओ, फिर आपकी क्लास को शुभारंभ करते हैं आपकी क्लास का। जल्दी से जल्दी आ जाइए। आपकी फेवरेट क्लास आ चुकी है, आपकी कौन सी है ये? ये आपकी एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर की क्लास है। एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ और क्या करो, इसे शेयर कर दो। एक बार जल्दी से जल्दी आ जाइए, आज आपकी मैम आपके टाइम से पहले हैं, तो क्या करोगे अब इसे? जल्दी से आप जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए और अपने इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जल्दी आ जाइए, आप सभी को मैं दिखाई तो दे रही होंगी ना। एक बार जल्दी से आइए, फिर आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी दूसरी क्लास में होंगे सारे, चलो कोई नहीं। एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ गए क्लास के अंदर, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं है आपका, गुड आफ्टरनून है। एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए क्लास के अंदर, फिर आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और इस क्लास को शेयर भी कर देना, ठीक है? जल्दी आइए, आपकी मैडम आ चुकी है। गुड मॉर्निंग नहीं है कृष्ण, अब आपका गुड आफ्टरनून हो चुका है, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। एक बार सारे जुड़ जाओ, फिर आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और आज मैं आपको यहीं की यहीं याद भी दिलाऊंगी, याद भी कराऊंगी, और आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से, आज आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है, तो एक बार जल्दी से जल्दी सारे जुड़ जाओ, ठीक है? जल्दी आइए और फिर आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो ये है आपका योद्धा बैच, आप सभी को पता होगा इसके बारे में कि ये आपका योद्धा बैच है, ये आपके हरियाणा पुलिस और हरियाणा सीटी के लिए है, ठीक है? इसका प्राइस कितना? आपका 899 इसका प्राइस रहेगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, और क्या मिलेगा आपको? डाउट सेशन मिलेगा आपको, ठीक है? एक बार जल्दी से शेयर करके आ जाइए। और ये आपका टाइम टेबल है, आपके यूट्यूब का टाइम टेबल है, जिसको नहीं पता वो अपना स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, तो एक बार जल्दी से जल्दी आ जाइए। अच्छा ठीक है कृष्ण जी, कोई बात नहीं, ठीक है 11:41 पे। अच्छा इतनी देर से वेट कर रहे थे क्या क्लास का? चलो अच्छी बात है कि आप कम से कम वेट तो कर रहे थे। एक बार जल्दी से, मुझे पता है कि दूसरी क्लास भी चल रही है आपकी, बच्चे वहाँ हैं, तो कोई नहीं, मैं इतने आपको ये बता देती हूँ कि आपकी यूट्यूब की क्लासेस कितने बजे चलती हैं आपकी। अगर आपको रीजनिंग करनी है तो आपको अनिल सर आपको रीजनिंग कराएंगे आपको, ठीक है? और हरियाणा जीके करनी है आपको तो वो मैं कराऊंगी आपको, वो आपकी 9:30 बजे से 11 बजे तक होती है, ठीक है? वो आपकी कौन कराएंगे? आपकी निशा राठी मैम, यानी कि मैं। आपको 11 से 12 बजे आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे आपके, जो आपके अभी क्लास चल रही है वो कौन ले रही है? आपकी अंजलि मैम ले रही हैं। 12 से 1 आपकी एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर की होगी, जो मैं लेती हूँ। हैप्पी शर्मा नेक्स्ट जी, अच्छा ये आपकी मैडम लेंगी, यानी कि मैं। 1 से 2 सारे बच्चे जुड़ जाओ, एक बार फिर कराती हूँ। स्टेटिक जी के आपकी कौन लेंगी? आपकी आयुषी मैम लेंगी। आपकी 3 से 4 आपकी साइंस की कौन लेंगे? आपकी रेनू मैम लेंगी। 7 से 8 आपकी मैथ कौन लेगा? आपके ऋषि सर लेंगे। 8 से 9 फुल मॉक टेस्ट का रिवीजन होगा आपका, और 9 से 10 आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, जो आपके अनिल रोहिला सर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चलो जी, अब अच्छा एक बार बच्चे तो जुड़ जाओ, तभी तो नेक्स्ट चलूं, फिर बोलेंगे मैम हमें बताया नहीं। देखो आज हम किसके बारे में पढ़ाई करेंगे, देखो आप कौन है आज, कितनी स्पेशल है आज आपके लिए ये चीज़। देखो कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम आपकी काऊ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? आपकी गाय के बारे में पढ़ेंगे,
कि आपकी गाय एक बार लाइक कर दो और सारे शेयर करके आ जाओ एक बार जल्दी से जल्दी। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम आपकी गाय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में? आपकी गाय के बारे में। कितनी प्यारी दिखाई हुई है आपको ये गाँव गाय। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? पशुपालन, पशुपालन की नस्लें। और आज आपके पहले ये करवाऊंगी, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस करवा दूंगी। ठीक है, कुछ आपकी चीजें लिखवानी भी हैं वे भी लिखवाऊंगी, आज आपके क्वेश्चंस भी कराऊंगी, थ्योरी भी कराऊंगी। गौ माता, हाँ जी बिल्कुल गौ माता। ठीक है, तो कितनी प्यारी लग रही है। चलो अब आपकी गाय के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, एक बार बच्चे आ जाएंगे इतने सारे, एक बार जल्दी से जल्दी जुट जाओ। ठीक है, आपकी जो गाय है, गाय के संघ को क्या कहते हैं? आपके कोडेटा। क्या बोलते हैं आपके गाय के संघ को? देसी गाय है जी ये। अच्छा, देसी गाय है, इसके संघ को क्या बोलते हैं? आपके कोडेटा बोलते हैं। इसके जो वर्ग है वो क्या होती है? आपकी मैमेलिया होती है। और इसका कुल कौन सा? आपका बोवीडी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आपका बोसिंडिकस। ये बहुत बार पूछा जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपकी गाय का, वो कौन सी है? आपकी बोस इंडिकस। पता है मैंने किस तरीके से याद किया था? अगर तुम्हें याद ना हो तो किस तरीके से करोगे तुम याद? इसे करोगे कि आपके घर में कौन, ये क्या है? बोस। गाय को हम क्या मानते हैं? सबसे ऊपर मानते हैं ना, तो हम इसे किससे याद करेंगे? बोस इंडिकस। इंडिकस मतलब आपकी इंडिया, कि आपके इंडिया का बोस कौन है? आपकी गाय। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे याद हो गया होगा कि बोस इंडिकस क्या है आपकी, ये आपकी गाय का वैज्ञानिक नाम है। एक बार सारे के सारे जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ और क्या करो, इसे शेयर करके आओ। बोस इंडिका, इंडिका नहीं, इंडिकस, बोस इंडिकस। ठीक है, इसका ये कितने जीवन काल होता है इसका? 20 से 25 साल आपकी गाय जीती है। कितने साल जीती है आपकी? मेरे साथ बोलते रहो ताकि तुम्हारी फैमिली को भी पता चले कि तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो। ठीक है, तो क्या कितनी है इसकी, इसकी जन्म कितना है इसका, मतलब इसका जीवन काल कितना है इसका? 20 से 25 साल आपकी गाय जीती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आपका बोस इंडिकस। एक बार साथ के साथ बोलते रहो ताकि तुम्हारी, तुम्हें याद भी हो जाए, तुम्हारे घर वालों को भी पता चल जाए कि तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, एक बार जल्दी से जल्दी शेयर करके आ जाओ। अपने जो भी हैं, आपके महिला मित्र है, जो भी है आपकी, जो भी चाचा ताऊ पड़ोसी जो भी है, सब तक शेयर करके आ जाओ एक बार। ठीक है, गाय एक महत्वपूर्ण जानवर है जो संसार में सर्वत्र पाया जाता है। और आपको हमारी गाय के बारे में तो पता है ही कि सबसे ज्यादा पूजनीय कौन सी है आपकी, वो है आपकी गाय। भारतीय गाय से उत्तम किस्म का दूध प्राप्त होता है, ये माना जाता है। एक बकरी और एक गाय से आपका कैसा दूध होता है, मिलता है, कि ये आपका बहुत पवित्र दूध होता है गाय का और बकरी का। अगर बच्चे की माँ मर जाए तो उसे कौन सा दूध पिलाया जाता है, बताओ एक बार? राम राम मनीषा जी, सारे जल्दी से जल्दी। कोना जी, अच्छा कोई बात नहीं, महिला मित्र कोना, तो पुरुष मित्र होगा, उसके पास शेयर कर दो। स्टोइक मैडम जी, कती हिंदी में समझ में ना आवे तुम, मैं तो हरियाणवी बोलूं हूं, हरियाणवी तो समझ में आवे है। ठीक है, क्या है? भारतीय गाय से उत्तम किस्म का दूध प्राप्त होता है। और टाइम से आया करो सारे। स्टोइक, आज हरियाणा जीके की क्लास में कहाँ थे तुम? हरियाणा जीके की क्लास में तो नहीं थे। नरेंद्र गिल, तुम भी नहीं थे। राम राम जी सारा ने, सारे 9:30 बजे मुझे हरियाणा जीके की क्लास में मिला करो, वरना कल से पिटोगे तुम, कल से डंडा लेके बैठूंगी तुम्हारे लिए जो नहीं आएगा। भारतीय गाय से उत्तम किस्म का दूध प्राप्त होता है, इसलिए हिंदू गाय को क्या कहा जाता है? गौ माता मानते हैं। इसके बछड़े बड़े होकर क्या करते हैं आपकी, जो इसने बड़द मिला दिया करो ना, थम क्या थम खेता में के किसने लगाया करो, सिरसा में सबसे ज्यादा गाय, बिल्कुल सही है। राम राम जी सतीश, स्टोइक सो था, अच्छा सोते रहो सतीश, राम राम। इसके बछड़े बड़े होकर गाड़ी खींचते हैं और खेती की क्या करते हैं? जुताई करते हैं।
अब इसके बारे में पढ़ते हैं। गायों के झुंड को क्या कहा जाता है? आपके हर्ट, जो आप थम फेफड़ा मान, जो आप हर्ट देखो दिल है ना, तो गाय ने थमके कह सको हो, हर्ट कह सको हो। और इसके गाय के झुंड को क्या याद करने के लिए है, उसे कहते नहीं है कभी ये चीज, सोच लो क्या हर्ट कब है, गाय के झुंड ने याद करने के लिए है ये सिर्फ। गाय के झुंड को क्या कहते हैं? आपका हर्ट कहते हैं। एक बाड़े में अधिकतम पशुओं की संख्या कितनी होती है आपकी? 50। आपके बाड़े में एक बाड़े में अधिकतम पशु गाय की संख्या कितनी होती है आपकी? 50 गाय। आज मैं आपके एमसीक्यू भी कराऊंगी, आपके थ्योरी भी कराऊंगी, और जो आपकी गाय है, जो आपकी विदेश में कौन सी गाय हैं उनके बारे में भी बताऊंगी, और जो आपकी यहाँ पे है ना, जो भारत में है वे भी। हाँ, गुड नून जी मोनू, सोनी कुड़ी, राम राम। ठीक है, अरे हर्ट नहीं है, मैंने हर्ट से बोला है, देखो इसमें हर्ट लिख रखा है पागलों। गाय के दूध काल के औसत दिनों की संख्या कितनी होती है? जो आपकी गाय है वो कितने दिन दूध देती है आपकी? 300 दिन दूध देती है। ठीक है, कितने दिन दूध देती है? सोनी कुड़ी किसने ब्लॉक कर दिया? किसी ने नहीं कर रखा। गाय के दूध कितना है आपके? औसत दिनों की संख्या कितनी होती है आपके? 300 दिन आपके गाय है वो क्या देती है आपकी? दूध देती है। औसत है ये आपका, कभी ये चीज सोचो कि मैडम हमारी तो 300 दिन ना देती या फिर उससे फालतू दे, ये आपका औसत निकाला गया है। गाय के पूर्ण वयस्क होने पर, अच्छा ये बताओ कि जो आपकी गाय है वो वयस्क यानी कि अडल्ट कितने वर्ष में होती है वो आपकी होती है? 5 से 5.5 वर्ष में। ये 51 गलत लिख रखा है। 5 से 5.5 साल के अंदर जो आपकी गाय है वो पूर्ण वयस्क हो जाती है। जैसे हमारी अडल्ट एज कितनी होती है? हमारी 12 से 19 होती है, तो इनकी कितनी? आपकी 5 से 5.5 साल में ये वयस्क हो जाती है। गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है आपकी? कॉकरेच। कॉकरोच मत समझ लियो कि कॉकरोच, ठीक है। नहीं, किसी को ब्लॉक नहीं किया गया है यहाँ से। गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी आपकी? कॉकरेच। कॉकरोच मत लगा का ही हो, कहाँ जा रहे हो सतीश? देखो गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी आपकी? कॉकरेच। आपको दिखाऊं कि कौन सी है आपकी कॉकरेच? एक बार आपको दिखा देती हूँ आपको। कॉकरेच, या भाई नहीं रहा अब इसके अंदर, भाई इसके अंदर ही आए। देखो ये होती है आपकी कॉकरोच गाय, ठीक है ना, कभी ये चीज तुम कॉकरोच ने समझ लो, कॉकरेज लिख रखा है इसके अंदर। देखो ये होती है आपकी कॉकरेच गाय, देखो कैसी है इसकी, देखो थन, देखो ये क्या हो गया, घर ने जाऊं तो आप पढ़ लो ना, वी के स्वामी नमस्ते जी। देखो ये होती है आपकी सबसे ज्यादा, कौन सी आपकी, ये है आपकी कॉकरेच गाय। ठीक है, गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है? ये वे मैंने आपको दिखा दिया, ये आपकी कॉकरेच गाय होती है। गाय का गर्भ धारण कितने दिन में होता है आपका? 282 दिन के अंदर। जो गर्भ धारण काल काल यानी कि जब आपकी गाय होती है, यानी कि 282 दिन के अंदर आपकी क्या हो जाती है? वयस्क हो जाती है। वयस्क होने के बाद ये क्या करती है? आपके गर्भ धारण का काम करती है। गाय का औसत तापमान कितना होता है आपका? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। सींग देख लो जी, देख लिए उसके, ठीक है।
थैंक यू एसके। ये क्या है, गाय का औसत तापमान कितना है? ये आपका 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके ये याद कर लेना, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय आपकी विदेशी नस्ल की कौन सी है? आपकी होल्स्टीन है, जो भारत में है। ठीक है, और ये कौन सी आपकी विदेशी नस्ल की है? आपकी होल्स्टीन। होल्स्टीन आपको देखनी है, बताइए कि आपको होल्स्टीन देखनी है। आपको अभी दिखा देती हूँ आपको होल्स्टीन भी। ये आपकी विदेशी है, जो कि आपके आपके भारत में है। ये देखो आपकी कांकरेज गाय चल गई है ये। ठीक है, ये आपकी कांकरेज गाय कौन सी देख रहे थे हम? होल्स्टीन। होल्स्टीन का देखो, ये है आपकी होल्स्टीन काओ। ये तो हमने देखी होगी कि कोई बात नहीं, वो दूध भी ज्यादा देती है। ठीक है, ये है आपकी होल्स्टीन काओ, जो आपकी विदेशी नस्ल है। और आपके कहाँ पर पाई जाती है? आपके हरियाणा के अंदर पाई जाती है। ये तो हमने देख ली होगी, या चितकबरी सी। ठीक है, व्हाइट कलर की और चितकबरी सी। ये आपकी कौन सी है? होल्स्टीन काओ है। ये आपकी भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है? आपकी साहीवाल। ये मैंने कल आपको दिखाई थी। ये कैसी है? ये आपकी लाल कलर की होती है। ये आपकी लाल रंग की होती है। आपकी ये कौन सी है, सबसे जो दूध सबसे ज्यादा देती है? वो आपकी साहीवाल है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? आपकी उबरे बलाका। उबरे बलाका क्या है? आपकी विश्व यानी कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा भारत में कौन सी होगी? आपकी साहीवाल होगी। और वर्ल्ड में आपकी कौन सी होगी? उबरे बलाका। गाय के दूध में आपका फैट कितना होता है? आपका होता है 4.92, यानी कि इसके अंदर फैट ना बराबर ही होता है। ठीक है, ना बराबर होने के कारण जो आपके दूध, गाय का दूध किसे भी पिला दिया जाता है? नवजात शिशु को भी पिला दिया जाता है। ठीक है, आपके गाय की वह नस्ल जो सिर उठाकर चलती है। थारे पड़ोसिया में भी सर उठाकर एक आधे मानस चलते होंगे ना, तय न्यू थारी एक गाय मुंह उठाकर चला रहा है। उसका नाम क्या है? आपके कोकरेच गाय, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी कि कोकरेच गाय आपकी कौन सी नस्ल की है, बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि सारे मेरे साथ बोलोगे, ताकि तुम्हारे पड़ोसियों को भी सुनाई दिए कि तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, कॉकरेच गाय, अभी बताइए कि कॉकरेच गाय के बारे में मैंने अभी बताया था कि कॉकरेच गाय और क्या होती है, बताइए। गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? देखो वेट में भी कितनी ज्यादा थी वो कौन सी आपकी कॉकरेच गाय है। और गाय की वह नस्ल जो सिर उठाकर, ये क्या करती है? ये आपके सिर उठाकर चल लग रहा है, नू करके, नू 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 करके चलेगी, चाहे नीचे दिखे चाहे ना दिखे। ठीक है ना, अरे लड़ने क्यों लग रहे हो तुम? ये क्या ब्लॉक अनब्लॉक कर रखा है? तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? एक गाय को जेर डालने में कितना टाइम लगता है? आपके 3 से 4 घंटे में आपकी जेर डलनी चाहिए। रुमेन नामक संरचना छोटी आंत व बड़ी आंत के बीच किस जानवर में पाई जाती है? ये आपके गाय और भैंस में पाई जाती है। आपकी रुमेन नामक छोटी आंत व बड़ी आंत आपके कहाँ पर पाई जाती है? इस छोटी आंत और बड़ी आंत का नाम क्या है? आपकी रुमेन है। रुमेन का क्या है? गाय भैंस इत्यादि। सोनी कुड़ी क्या हो गया, क्यों रोने लग रही हो? क्या क्या दिक्कत हो गई? हाँ, सारी सारियों का एक काम करो, तुमने ही तो ठेका ठा रखा है ना, क्या खास किसकी लाइफ में के चलन लग रहा है? पढ़ लो, पढ़ाई काम में आओगी जिंदगी में, वरना कुछ नहीं आओगा। ठीक है, हाँ ये कॉकरेच गाय नहीं है, कॉकरेच गाय वो है जो मैंने अभी दिखाई थी। ये बकवासबाजी छोड़ दो, क्लास को शेयर कर दो और पढ़ लो। ठीक है, तुम्हारी ये चीजें काम आएंगी। रुमेन नामक आपकी क्या है? ये छोटी आंत व बड़ी आंत के बीच में कौन से जानवर में पाई जाती है? ये आपकी गाय और भैंस की। हरियाणा में सर्वाधिक किस नस्ल की गाय पाई जाती है? वो आपकी साहीवाल, ये आपके लाल कलर की होती है, मैंने आपको दिखाया था कल।
साहिवाल नस्ल की गाय का रंग कैसा होता है? आपकी लाल होता है। दूध वह काजी बछड़े के लिए पालने वाला जो पाली जाती है, जो आपके दूध और काजी बछड़े के लिए, वो आपकी कौन सी कहलाती है? आपकी काओ, वो द्वि काजी नस्ल कहलाती है। वो कौन सी नस्ल होती है? वो क्या हो गया मोनू, क्या कह रहे हो तुम? किसी को क्यों, किसी को वो कर रहे हो बताओ? शिक्षा पवार, जय श्री राम। एक काम करो, तुम किसी का कोई कमेंट नहीं देखोगे, सीधा पढ़ाई पे ध्यान दो। जो मैं पूछ रही हूँ वो करो। ये छोटे नर्सरी वाली हरकतें छोड़ दो, अब तुम बड़े हो गए हो। डेयरी पशुओं में पाई जाने वाली गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? आपकी आयर शायर। देखो आपकी आयर शायर दिखा देती हूँ मैं, तो तुम्हें इतनी प्यार से पढ़ाने लग रही हूँ और तुमों की झगड़ने लग रहे हो। आयर शायर काओ कौन सी है आपकी? देखो अभी दिखाते हैं। सबसे सुंदर बताई गई है ये आपकी। देखो ये आपकी आयर शायर गाय, देखो सुंदर है ना आयर शायर। कोई बात नहीं, तुम पढ़ते रहो ठीक है, एक बार सारे पढ़ लो फिर उसके बाद कर लेना तुम बातें, ठीक है? तो ये देखो ये कितनी प्यारी गाय है ये आपकी आयर शायर। देखो देखो दिखाई भी दे जाएगी आप सभी को अभी, आयर शायर गाय। देखो नाम भी क्या है, आयर शायर गाय। देखो चलने भी लगी, यो है थारी आयर शायर गाय, ठीक है? चलो अब आगे आते हैं। देश का प्रथम गाय अभयारण्य आपका कहाँ पर स्थापित किया गया था? आपके पोरबंदर गुजरात के अंदर। और डेयरी पशुओं में सबसे ज्यादा सुंदर गाय कौन सी? आपकी आयर शायद जो अभी दिखाई थी। एक गाय अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है? यानी कि वो 8 से 10 बार ब्याह सकती है। कितने बच्चों को जन्म दे सकती है वो आपकी? 8 से 10 बच्चों को। केरल राज्य में कम ऊंचाई और छोटे आकार में पाई जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी? आपकी वैचूर है। ये 2 फुट 10 इंच की ऊंचाई व 4 फुट लंबाई की होती है। इसे लिख लेना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। केरल राज्य में कम ऊंचाई और एक छोटे आकार के पाई जाने वाली गाय कौन सी? आपकी वैचूर। और इसकी हाइट कितनी है, इस चीज का आपको पता चल ही गया है। आपके इस गाय को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 21 जून 2014 को सबसे छोटी गाय के रूप में सम्मानित किया गया है, ठीक है? किसे? आपकी जो ये वैचूर गाय है ना, जो आपकी केरल में पाई जाती है, इसे क्या किया गया? आपके 21 जून 2014 को क्या मिला इसे? इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वैचूर ये कहाँ है, कहाँ की? आपकी केरल की। वैचूर नस्ल की गाय को और किस नाम से जाना जाता है? आपके मिनिएचर नाम से जाना जाता है। आपकी एक बार दिखा देती हूँ आपको वैचूर गाय, वैचूर गाय। देखो ये है आपकी वैचूर गाय, ठीक है? हाइट में देख लो इसकी कितनी है, ये केरल में। देखो आपकी ये है आपकी वैचूर गाय, देखो इसकी हाइट इतनी है, ये ऐसे कलर की होती है, ठीक है? ये है आपकी वैचूर गाय, कहाँ पर मिलती है? ये आपके केरल के अंदर। और इसका नाम क्या है? मिनिएचर। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल में है, जो आपके हरियाणा के अनुसार भारत में कितनी नस्ल की गायें पाई जाती है? आपकी 40 नस्लें आपकी कहाँ पर पाई जाती है? आपके राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका कि ये राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ है? आपके करनाल में। और क्या बताया गया इसमें, भारत में कितने नस्ल की आपकी गाय पाई जाती है? इसके अंदर आपकी 40 नस्ल की गाय पाई जाती है। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा गाय पाई जाती है? आपके सिरसा के अंदर। ये बिल्कुल आप सभी को पता है ही। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम गाय पाई जाती है? आपके पंचकुला में। ये भी मैंने आपको याद करा रखा है। हरियाणा के किस शहर जिले में प्रथम गौशाला स्थापित की गई थी? रेवाड़ी में। किसके द्वारा की गई थी ये भी बताओ जल्दी से जल्दी। ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है कि किसके द्वारा कराई गई थी। हाँ हरिद्वार में नहीं, आपके केरल में बताई गई है ये आपकी, ठीक है?
जल्दी से जल्दी एक बार शेयर कर दो और जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गौशाला आपके सिरसा के अंदर है, और सबसे पहली गौशाला आपके कहाँ पर स्थापित की गई थी? रेवाड़ी में। और किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से जल्दी बताइए मुझे। हरियाणा राज्य में गोचर मुक्ति आंदोलन के लिए, यानी कि गोचर क्या हो गया, आपकी जो गायें हैं उनके मुक्ति आंदोलन के लिए आपके प्रसिद्ध संत कौन है? आपके संत गोपाल दास जी हैं जो आपके गोचर मुक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत हैं। ये आपके, इसे लिख लेना, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्य ने नहीं मोनू, मैं आपके हरियाणा में पूछ रही हूँ। हरियाणा में रेवाड़ी में जिसने आपकी गौशाला की स्थापना की थी प्रथम, उनके बारे में पूछा है मैंने, ठीक है? हाँ, कोमल के डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ लो, ठीक है ना? पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोमल का डिस्ट्रिक्ट बिना तो हरियाणा गोवध संरक्षण संवर्धन आपका कानून कब लागू किया गया है? आपका 16 मार्च 2015 को। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है HSSC में, तो इसे याद कर लेना कि आपका हरियाणा गोवध संरक्षण संवर्धन आपका कब लागू किया गया? आपका 16 मार्च 2015 के अंदर। अधिसूचित कब किया गया है इसे? 19 नवंबर 2015 को लागू इस दिन किया गया। और अधिसूचित कब किया गया है? ये मार्च में और ये नवंबर में, ठीक है? अधिसूचित आपका नवंबर में किया गया है। राज्य में गोवध पर आपके कितने साल की सजा सुनाई जाएगी? आपकी ये कल कराया था मैंने आपके, 2 से 10 वर्ष तक आप किसी भी जानवर को मारोगे तो उसकी कितनी? 2 से 10 वर्ष तक आपको सजा मिलेगी। राज्य में देसी गायों के आधार कार्ड, आपकी आधार कार्ड योजना चालू कब की गई है? आपकी 18 मार्च 2015 को। ये वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे कर लेना, ठीक है? एक बार मेरे साथ सारे बोलते चलो, ठीक है? राज्य में देसी गायों के लिए आधार कार्ड योजना आपकी कब शुरू की गई है? आपकी 18 मार्च 2015 को। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय, इसका तो आपका पता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, जिसको नहीं पता वो लिख लेना, ये तो 1000 बार पूछा जा चुका है। आपकी 38 लीटर दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी? आपकी हरनाल आपकी गाय है जो आपके 38 लीटर दूध देती है। हरनाल गाय, और दिखा देती हूँ आपको एक बार, हरनाल, ये आपकी हरनाल गायें हैं। हरनाल गायें ये कितना लीटर दूध देती है जल्दी बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि आपकी हरनाल गायें कितना दूध देती है आपकी, बताइए। ये आपकी देखो बिल्कुल सफेद रंग की है। किसको ब्लॉक? कोई किसी के पास मैसेज नहीं करेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो जा सकता है, ठीक है? लेकिन किसी को डिस्टर्ब मत करो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत करो, वरना मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा बिना वजह, और मैं किसी को ब्लॉक नहीं करना चाहती, ठीक है? एक काम करो जल्दी सी, महर्षि ध्यानंद। अच्छा, महर्षि ध्यानंद नहीं है, कुछ भी आंसर दे जा रहे हो। ये आपकी देखो, ये आपकी गाय है जो आपकी कितनी सबसे ज्यादा दूध देती है आपकी, ठीक है? 38 लीटर तक दूध देती है ये आपकी हरनाल गाय। कितनी सुंदर थी वो गाय भी, खरीदने का मन कर गया मेरा। भारतीय गायों में बताओ, अब आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं, अब इसकी नरेंद्र जांगड़ा, राम राम जी। भारतीय गायों में यौवन अवस्था आपकी कितने महीने में आ जाती है? बताइए कि आपकी ये कितने महीने में आपकी ये अडल्ट हो जाती हैं? हाँ, हैप्पी शर्मा, बिल्कुल सही है। एक बार जल्दी से जल्दी इसे शेयर कर दीजिए, और एक काम करो, नहीं मैं किसी को ब्लॉक नहीं करूंगी, ठीक है ना? अपने पढ़ाई में ध्यान दो। नमस्ते जी, ये बताइए कि आपकी जो आपकी इनकी प्यूबर्टी कब हो जाती है, आपकी इंडियन काउस की, बताइए कितने महीनों में होती है आपकी? यानी कि 2 साल के अंदर आपकी जो ये गायें हैं वो आपकी प्यूबर्टी हो जाती हैं। जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दीजिए आप सारे, एक दूसरे से बातें मत करो। मनीषा, तुम अपनी साइड से ब्लॉक कर दो उसे, ठीक है? मादा पशु गाय भैंस के
सदन काल के प्रारंभ होने के कितने घंटे बाद गर्भित कराए? बताओ, जो आपकी जो आपने गाय सुनी है ना, वे भय भय मतलब जो वो रामबन लग जाए करे, तो उसके कितने घंटे के बाद आपके ये बताइए कि वो गर्भित कराए उसे कितने घंटे के बाद? आपके 12 घंटे के बाद उसे गर्भित कराए, ठीक है? ये थारे काम आऊंगी, थारे घर में भैंस डंगर है तो क्या 5 साल बताया है? अरे उसमें महीने पूछा है भाई, उसमें अडल्ट के बारे में पूछा है, और इसके बारे में क्या पूछा है? यौवन अवस्था आपके महीने में बता दिया गया है, आपकी प्यूबर्टी मतलब आपकी 2 साल से 5 से 5.5 साल तक आपका क्या होता है, ये इनका यौवन अवस्था होती है, ठीक है? जो आपके ये नहीं बोला जाता है कि आपकी 12 से 18 साल तक, तो वो ये चीज है, ठीक है? 2 साल से आपके 5.5 साल तक आपकी ये यौवन अवस्था होती है इसकी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आपका हमने देखा होगा कि 2 साल की भी थारी बच्चिया ब्याह जावा है, हमने देखा है। कौन क्या बोल रहे हैं? अच्छा स्टोइक, अच्छा और कुछ? चलो, गाय को ब्याने के कितने दिनों के भीतर ही गर्भ धारण कर लेना चाहिए? बताइए कि जब आपकी गाय ब्याह जावे है तो कितने दिन में उसे गर्भ धारण कर लेना चाहिए, यानी कि दोबारा उसे, तुम इतने मतलबी हो जाते हो कि उसे बार बार में उसे गाय बछड़ा दूध देने थे, उसने आगे की करा दो, ठीक है? गर्भ धारण कितने दिन में कर लेना चाहिए? 40 से 50 दिन, 50 से 60 दिन, या फिर 60 से 90 दिन? आपके यानी कि 2 महीने से लेकर आपके 3 महीने तक आपकी गाय का गर्भ धारण करा देना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अरे हंसो क्यों क्यों रहे हो? 40 से 50 नहीं, आपके 60 से 90 दिन। हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? बताइए कि जो तुम हाथ तथा धार का डाकर हो ना, तो बताओ सबसे बढ़िया कौन सी है आपकी सर्वोत्तम विधि? चुटकी द्वारा, पूर्ण हस्त दोहन विधि, अंगूठा दबाकर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए कि आपकी कौन सी सर्वोत्तम विधि है? पूर्ण हस्त दोहन विधि ये है आपकी, क्योंकि थम मोस्टली की करा करो, थम गुठे तक आटा करो ना धार इसमें। लेकिन क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर सी नहीं, बी होगा। ये पूर्ण हाथों से ऐसे ऐसे करके निकालने को बोला है HSSC ने। वैसे तो अपने आड़े के ऊपर का डग रहा है अंगूठा दबाकर, लेकिन HSSC ने आपका आंसर क्या माना है? आपका पूर्ण हस्त दोहन विधि, ठीक है? नेक्स्ट चले आपका। दूध दोहन का कार्य औसतन कितने मिनट में पूर्ण कर लेना चाहिए? जो आप दूध का डाग रहे हो वो कितने मिनट में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? बताओ कि हम कितने कितने मिनट के अंदर धार का डाग रहे हो? बताओ कितने मिनट के अंदर धार निकालते हो? आपका जो आपका एवरेज आपका होना चाहिए वो आपका 5 मिनट होना चाहिए। 5 मिनट के अंदर धार हो जाना चाहिए, ठीक है? धार कर लेनी चाहिए। दूध देने वाली गाय को खनिज की आवश्यकता में क्या जरूरी होता है? लौह तत्व, कॉपर तत्व, या फिर कैल्शियम? क्या जरूरी होता है आपके खनिज की आवश्यकता में? ये आपके कैल्शियम की जरूरत होती है दूध देने वाली। तुमने देखा होगा कि थारे घर में कैल्शियम के डब्बे भी धरे होंगे। गाय या भैंस ने दूध बढ़ाती के दिया करो, तुम कैल्शियम भी दिया करो। भैंस को ना गाय तो होगी, गाय ना है तो कदे तो राखी होगी, पड़ोसिया के तो होंगी। अच्छा काढ़ना को नहीं आता, कोई बात नहीं। गाय को प्रति 3 किलोग्राम दूध पर दाना दिया जाता है, बताइए कितना दाना दिया जाता है आपके 3 किलो दूध के दूध पर कितना दाना दिया जाता है आपकी गाय को?
वो कितना दिया जाता है आपका, 1 किलोग्राम आपकी, 3 किलोग्राम दूध पर आपकी गाय को कितना दाना दिया जाता है आपका, 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। गाय का शारीरिक तापमान कितना होता है, अभी पीछे कराया था, जल्दी से बता दो कितना होता है आपका, 100, 101 या फिर 103 या फिर 107, कितना होता है आपका, 101.5 डिग्री। अच्छा चलो आगे करते हैं, 5 मिनट बस, हाँ 5 मिनट ही आता है मिस गुरजारी। चलो आगे बढ़ते हैं, गाय की नाड़ी गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है, बताओ आपकी जो गाय की नाड़ी होती है वो धमनी किस धमनी से ज्ञात की जाती है आपकी, कोक्सीजियल धमनी, फैसियल धमनी, फेमोरल धमनी या फिर उपरोक्त सभी, बताइए कि कौन सी से आपकी धमनी मापी जाती है, ये कौन सी से मापी जाती है, कोक्सीजियल धमनी से जो गाय की नाड़ी है उसे मापा जाता है। पशु की नाड़ी गति ज्ञात कर ते समय नाड़ी की धड़कनें गिनने के लिए कितना समय चाहिए, बताइए कि कितना समय चाहिए आपकी नाड़ी को, इस गाय की नाड़ी को, ओल नहीं आएगा, सतनाम धर्म हिंदू, सनातन धर्म हिंदू, बताइए कि कितने 1 मिनट के अंदर पशु की नाड़ी ज्ञात करने के लिए कितना टाइम लगता है आपका, 1 मिनट, ठीक है। गाय भैंस बकरी में मदन काल के लक्षण कितने दिनों पुनः प्रकट होते हैं, बताइए कि गाय भैंस बकरी में मदन काल के लक्षण कितने दिनों में प्रकट होते हैं, 6 से 17 दिन, 19 से 21 दिन, 21 से 23 दिन या फिर 23 से 25 दिन, कितने दिन में होते हैं ये आपके मदन काल, ये आपके होते हैं 19 से 21 दिन के अंदर लक्षण आपके ये दिखाई देते हैं। गाय से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, दूध, दही व घी, गोबर एवं मूत्र या फिर उपरोक्त सभी, क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी। गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है आपकी, बताइए नागौरी, खिल्लारी, गिर या फिर हरियाणा, कौन सी है ये आपकी, गिर गाय है जो आपकी दूध देने वाली नस्ल है आपकी। मीशू गुर्जारी, ठीक है, मिनिएचर गाय कहलाती है आपकी, बताइए मिनिएचर, अभी मैंने दिखाया था आपको कि मिनिएचर आपकी कौन सी गाय थी, बताओ जो आपकी वो छोटी गाय थी ना उसका नाम है मिनिएचर, बताओ कि उसमें कौन सी है जो आपकी मिनिएचर गाय कहलाती है, कौन सी है वो आपकी, बैचूर गाय है जिसे क्या कहा जाता है आपका, मिनिएचर गाय भी कहा जाता है, गिर गुजरात की, ठीक है बिल्कुल, ऑल ऑल। राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है, बताइए कि जो आपकी राजस्थान के अंदर पाई जाती है वो आपकी सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है आपकी, नागौरी, राठी, हरियाणा या फिर थार पाकर, बताइए कि आपकी कौन सी है, ये कौन सी आपकी नागौरी है जो आपके राजस्थान में पाई जाती है, नागौरी की शक्ल दिखा देती हूँ आपको एक बार, नागौरी, ये कहाँ पाई जाती है आपकी, ये आपके राजस्थान के अंदर पाई जाती है, ये तो देखी होगी ना तुमने, नागौरी, देखो ये है आपकी नागौरी गाय, ठीक है, ये आपको शायद दिखाई ना दे रही हो, देखो यह हो है, देखो इसके सींग इस तरीके से निकले रहे हैं, वो होती है आपकी, ये आपकी होती है नागौरी गाय, देखो दिख जाओ तो थमने, ये होती है आपकी नागौरी गाय जो थमने राजस्थान में मिलेगी, ठीक है। चलो अब इस पे आते हैं, आपकी राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल आपकी नागौरी। गाय में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी प्रजनन
पद्धति कौन सी आपकी, चयनित प्रजनन, ग्रेडिंग आप, या फिर क्रॉस ब्रीडिंग, या फिर अंततः प्रजनन? बताइए कि आपके दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी प्रजनन, प्रजनन तो आप जानते होंगे प्रजनन क्या होता है, ये क्या है आपकी, सबसे अच्छी कौन सी आपकी, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग है वो आपके दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए आपके प्रजनन पद्धति सबसे अच्छी है। बछड़े को शरीर के वजन का कितना प्रतिशत खीस पिलाते हैं और कितने दिन तक पिलाते हैं? बताइए कि जो थम खीस खाया करो, जब थारी भैंस या गाय ब्याह करे, तो उस टाइम पे बछड़े को कितना दिया जाता है आपका, कितना दिया जाता है, कितना जरूरी होता है आपके बछड़े को? 10% और 3 दिन आपके ये पिलाया जाता है। बिल्कुल क्रॉस ब्रीडिंग बिल्कुल सही है आपका। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, आपके राठी किसका मिश्रण है बताइए। अरे राठी गाय है ये, मेरा सरनेम भी राठी है, ठीक है, कह दे तुम मैंने गाय कहने लग जाओ। राठी किसका मिश्रण है, सिंधी साहिवाल थारपाकर का, या फिर सिंधी साहिवाल कोंकरेश का, या फिर गिर साहिवाल, या फिर थार पाकर, ये किसका है, ये आपका सिंधी साहिवाल और थार पार कर का राठी इसका मिश्रण है। चलो अब आपको ये चीज बता देती हूँ, आपको ये चीज करा दी है मैंने, अभी आपको क्या करा देती हूँ, आपको ये चीज करा देती हूँ आपको कि आपकी जो विदेशी गाय है ना, विदेशी गायों का एक बार आप अपने हाथों से लिखोगे, मैं आपको विदेशी गाय लिखवा रही हूँ, और क्या लिखोगे आप, जो आपकी देशी गाय है ये, हाँ मोनू, अच्छा कोई किसी को गलत नहीं बोलेगा, यहाँ पे सब आपके भाई बहन है, ठीक है ना, कोई यहाँ पे पढ़ने आ तो पढ़ाई की तरह रहा करो, कोई बकवासबाजी नहीं सुनूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। चलो एक बार आप क्या करोगे, विदेशी गायों के बारे में एक बार पढ़ते हैं, उन्हें लिख लेते हैं, ठीक है, आपकी करा दूँ ना, जल्दी बताओ, या फिर इसे ही रिवीजन कराऊँ, एक बार जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आपका कि, चलो आज आपकी देसी गायों के बारे में बता देती हूँ, फिर उनकी शक्ल दिखा दूंगी, कल उनके बारे में पढ़ा दूंगी, और कल आपको क्या कराऊंगी, विदेशी गायों के बारे में बता दूंगी, ठीक है, जल्दी बताइए। जय श्री राम पंकज जी, अच्छा गाय पर निबंध, ये आपके सेकंड थर्ड में लिखते थे, बिल्कुल सतीश बिल्कुल सही है। ये बताइए आप, 5 दिन नहीं 3 दिन खीस, ये चीज बताइए कि आपकी क्लास ये लिखवा दूं ना आपकी, और कल आपको क्वेश्चंस करा दूंगी, और आपकी जो आपकी विदेशी हैं उनके और देशी गायों के बारे में डिटेल में करा दूंगी आपकी, ठीक है। तो एक बार कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, फिर उसके बारे में आपकी लिखते हैं, आपकी देशी गायों के बारे में लिखो, अब आप देशी गाय आपकी 9 होती हैं उनके बारे में लिख लीजिए, जो आपके भारत में पाई जाती हैं, वो कौन सी आपकी, एक है आपकी गिर गाय, कौन सी आपकी गिर गाय के बारे में अभी आया था ना, तो आपकी कौन सी है, वो एक गिर गाय है। सेकंड आपकी हरियाणा गाय है, हरियाणा तो याद रख लियो आप, हरियाणा गाय है ये आपकी, आपको शक्ल दिखा दूंगी एक बार इनकी। और कौन सी आपकी, थारपाकर गाय है आपकी, थार पाकर गाय है आपकी, और आपकी कौन सी है, आपकी मालवी गाय है आपकी, एक मेरे साथ बोलते जाओ, मारवाकर मालवी गाय है आपकी, और आपकी कौन सी है, मेवाती गाय है आपकी, एक मेवाती, ठीक है, और आपकी एक जर्सी गाय है, जर्सी गाय है आपकी एक, और आपकी कौन सी है, होल्स्टीन, आपकी कौन सी है, आपकी होल्स्टीन फ्रेजियन गाय, होल्स्टीन फ्रेजियन गाय, और आपकी कौन सी है, गिर हो गई, हरियाणा होगी, थारपाकर हो गई, मालवीय हो गई, आपकी नागौरी गाय है, एक आपकी नागौरी गाय है,
ना गोरी गाय है आपकी एक, और एक आपकी कौन सी है, नोवी, ये आपकी राठी गाय है, ठीक है, ये आपकी नो है। एक बार जल्दी से जल्दी एक काम करो, इन्हें लिख लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। साहिवाल गाय मेरे साथ बोलते रहो, एक बार मैं तुम्हें रिवाइज करा रही हूँ, कौन सी आपकी भारत में कौन सी गाय पाई जाती है आपकी। एक गिर गाय, बोलो मेरे साथ बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई देनी चाहिए, इतनी सुनाई देनी चाहिए कि मुझे सुन जाए, तुम्हारे पड़ोसियों को सुन जाए। रोमियो में पढ़ो, ठीक है, बारात में तुम बाद में भी जा सकते हो। मेरे साथ बोलो अब आप, गिर गाए, बोलो जल्दी, सबका लिखा होना आना चाहिए मुझे, गिर गाए लिखो, गिर गाए, जी मैम लिखो, गिर गाए। आप इससे याद कर सकते हो कि गिर गाए हरियाणा गाए आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 100% क्वेश्चन आता है। साइड में हो जाओ मैम, ओके, ये लो राठी गाए, हाँ राठी गाए, बोलो गिर गाए, लिख के लिखो सारे, गिर गाए जल्दी लिख के मुझे दिखाई देना चाहिए। गिर गाए हरियाणा गाए, थारपाकर गाए, मालवी गाए, मेवाती गाए, जर्सी गाए, होस्टीन फ्रेजियन गाए, और आपकी नागौरी गाए, और आपकी राठी गाए, ठीक है, हाँ हरियाणा गाए, लिखिए जल्दी, गिर हरियाणा, थारपाकर, मालवी, मेवाती, जर्सी और होल्स्टीन और नागौरी और राठी। देखो इससे तो मेरा सरनेम है, इससे तो तुम्हें गाय याद हो गई, ठीक है, नागौर, नागौर से भी तुम्हें याद हो जाएगी, मालवी, मालवी से भी देखो याद ही हो जाएगी, ये भी मेवात से भी तुम्हें ये याद हो जाएगी, जर्सी भी याद हो जाएगी आपको, अरे थारपाकर को तुम कैसे याद करोगे, थप्पड़, थप्पड़ गाए थे, तुम बकवास बाजी करोगे तो तुमने थप्पड़ लगेगा, ठीक है, ये याद कर लेना, और हरियाणा तुम याद ही आ जाएगा, और गिर क्या होती है आपकी, गाय गिर जाती है तो उससे क्या होगा आपका, गिर गाय, नागौरी, राठी, जर्सी, मेवाती, थारपाकर, बिल्कुल सही है आपका, जल्दी से जल्दी। बी आपकी हरियाणा गाय है ये, हरियाणा गाय, थारपाकर, मालवी, मेवाती, जर्सी, होल्स्टीन, बस आप ये याद करने लेना, होल्स्टीन फ्रेजियन गाय, ठीक है, बिल्कुल, हाँ मैं भी राठी ही हूँ भाई, मैं भी राठी ही हूँ, ठीक है, हाँ होल्स्टीन फ्रेजियन गाय, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, आप सभी के लिए क्लैपिंग है, आप सभी बहुत, आप सभी बिल्कुल पढ़ाई को लेके डेडिकेटेड हो, धन्यवाद, ठीक है। अब आपको कहो तो एक बार रिवाइज करा दूं दोबारा आपको, फिर आपको कल क्या कराऊंगी, कल आपको कराऊंगी आपकी जो आपकी आगे क्लास होगी ना, नेक्स्ट में आपको क्वेश्चंस गाय के और आपके इनके बारे में शक्ल दिखा दे रही हूँ अभी आपको, और कल आपको करा दूंगी आपकी जो आपके विदेश की गाय हैं, ठीक है, एक बार आपको गिर गाय दिखा देती हूँ, गिर गाय ये आपके देसी गाय हैं, ये आपकी गिर गाय दिखा देती हूँ आपको, देखो ये होती है आपकी गिर गाय, देखो कैसी शक्ल है इसकी, देखो ये है आपकी गिर गाय, देखो इसके कान कितने बड़े बड़े हैं, और जो ये बोलते हैं ना कि बीमा हो रखा है, देखो इसका बीमा हो रखा है, ये होता है बीमा की, ठीक है, और इसके सींग कैसे होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, ये आपकी क्या है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपकी गिर गाय, एक बार शक्ल दिखा देती हूँ, लाल रंग की होती है, देखो इसकी शक्ल ऐसी होती है गिर गाय की, ठीक है, और आपकी एक हरियाणा गाय दिखा देती हूँ अब आपको, ये आपकी हरियाणा गाय है, ये आपकी, ये तो मैंने बैल सा लगा है, देखो ये आपकी हरियाणा गाय है, ठीक है, और आपको सारी आपको दिखा देती हूँ, आपकी थारपाकर गाय भी देख लो अब आप, सारी गाय देख लो आज आप,
ये आपकी थारपाकर गाय है, ठीक है? देखो ये आपकी थारपाकर गाय है, इसकी तो मुझे हाइट भी कम लग रही है, इसकी तो कहाँ गई? ये है आपकी थारपाकर गाय, ठीक है? इसकी इसके तो मन देखो, इसके सींग ही नहीं है। तुम एक चीज देखो, इसके इस थारपाकर गाय के आपके सींग ही नहीं है। आपके इस थारपाकर गाय के देखो सींग नहीं है, इसकी शक्ल देख लो। अब आप थारपाकर गाय के क्या है, आपके शक्ल ही इसके वो ही नहीं है। अच्छा, हरियाणा गाय आपकी क्यूट है। अच्छा ठीक है, देखो इसकी क्या है, थारपाकर गाय के इसके सींग ही नहीं है। आपकी मालवीय गाय देख लो अब आप। मालवीय काओ, आपकी ये मालवीय काओ देख लो अब। ये देखो आपकी मालवीय गाय है, देखो आपने देखी होगी ये कौन रखा गलत, हमने देखा है ना, ये आपकी मालवीय गाय है, ठीक है? जिसके सींग बिल्कुल ऐसे खड़े खड़े से। और आपकी मेवाती गाय देख लो अब आप। ये आपकी मेवाती गायें हैं, ठीक है? शक्ल तो इनकी सारा की एक जैसी दिखे मैंने। ये आपकी क्या है, मेवाती गायें हैं ये आपकी। और सारे अब तुम देख लेना, जर्सी गायें, चलो ये भी दिखाई देती हूँ। जर्सी गायें कौन सी आपकी? देखो ये जर्सी जैसी शक्ल की है ना, ये है आपकी, देखो जर्सी गायें, जर्सी गाय दिखाई दे रही है आपको। देखो जर्सी गैम, जर्सी है ये आपकी, जर्सी गाय। अरे लड़ रहे हो अभी भी, इतनी बढ़िया बढ़िया इमेज दिखा रही हो तुम, लड़ रहे हो। अच्छा आपको एक राठी गाय और दिखा देती हूँ अब आपको। राठी गाय कौन सी आपकी? देखो ये आपकी राठी गाय। देखो ये आपकी राठी गाय, ठीक है? देख लिया आप, तुमने यो है थारी राठी गाय, चितकबरी सी है यो भी पूरी। नागौरी गाय और देख लो आप तुम। ये आपकी नागौरी गाय है, ठीक है? ये है आपकी नागौरी गाय। चलो फिर आपको एक बार रिवाइज करा दूं, एक बार ये चीज बता दो, ये है आपकी नागौरी गाय। देखो ये क्यूकर बाजरा, ठीक है? चलो अब आपको रिवाइज करा दिया है मैंने, एक बार कहो तो रिवाइज करा दूं। अच्छा मेरी टी शर्ट से मैच हो गई। आपको कैसी क्लास लगी ये चीज बता दीजिए। और आपका इसका पार्ट सेकंड आपका कल होगा, गाय के बारे में और बहुत सारी चीजें जानेंगे, इसका पार्ट कल होगा। कुछ क्वेश्चन मैंने आज करा दिए हैं तो कुछ आपको कल करा दूंगी, कल आपका ये। अच्छा चलो कल मिलते हैं, अगर कहो तो एक बार रिवाइज करा दूं एक बार। एक बार रिवाइज कराऊं या फिर जल्दी सी बता दो, अगर आपको रिवाइज कराना है तो अभी करा देती हूँ आपको, और वरना फिर तुम एक बार और क्लास को देख लेना, तुम्हें सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो जल्दी से बता दीजिए एक बार कि क्लास को रिवाइज करा दूं आपको, या फिर कल आपको करके आओगे, रिवाइज करके आओगे, या फिर कल मैं इसमें से क्वेश्चंस पूछूं आप सभी से, कल
आते ही आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी मैं इसमें से, और पूरे 9 के 9 मुझे ये गाय के नाम याद होने चाहिए। कल आने से पहले मुझे कमेंट में क्या मिलने चाहिए, इन 9 के नाम मिलने चाहिए। और आज आप कमेंट में इन 9 के नाम छोड़ोगे, और कल मेरे आने से पहले 12 बजे से पहले मुझे इनका नाम आप सभी के नाम के साथ लिखना होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैम, ओके। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टेस्ट लूंगी इसका, पूछूंगी आप सभी से। और क्या करोगे आप, तुम नीचे कमेंट में इन पूरी 9 की 9 का आप आंसर दोगे, और इसे पढ़ के चले जाना, इससे बाहर नहीं आने दूंगी। इस चीज की गारंटी दे रही हूं मैं कि एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो मैं कराऊंगी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? आप सभी तैयार हो ना? फिर कल आपका एक बार लाइक की संख्या बढ़ा दो, और आप क्या करोगे अब इसे शेयर कर दो। चलो फिर कल सुबह 9:30 बजे मिलते हैं। आपको एक बार दोबारा दिखा दे रही हूँ, आपको आपको टाइम टेबल दिखा दे रही हूँ। कल हरियाणा जीके में बहुत बच्चे नहीं होते हो, तो मुझे कल सुबह 9 बजे, आप 9:30 बजे आप मुझे हरियाणा जीके की क्लास में मिलने चाहिए, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम, ग्रेट सेशन, थैंक यू शिक्षा पवार। मैं फर्स्ट आऊंगा जी टेस्ट में। अच्छा, तो मुझे सारों के नाम होने चाहिए। चलो मिलते हैं आपको कल, धन्यवाद। कल 9 बजे मिलते हैं, 9:30 बजे मिलते हैं। कल मुझे आपकी सभी की वेटिंग होनी चाहिए। सभी आप 9:15 पे सारे, चाहे उठियो चाहे मत उठियो, आपकी नहीं क्लास आपको देखनी है 9:15 पे। सारों का मुझे, आप सभी का वेट रहेगा। आप 9:15 पे मुझे मिलना यूट्यूब पर, ठीक है? बहुत अच्छी तरीके से हरियाणा जी की करा दूंगी, और आपकी एनिमल हस्बेंड्री करा दूंगी, ठीक है? तो फिर कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय सारे। और लड़ा मत करो, ठीक है? लड़ने से तुम्हारा, ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो। तुम जो बच्चों वाली हरकतें करते हो ना, ये नर्सरी के बच्चे करते हैं, ये जो तुम करते हो। BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन करवाएं, उसका एग्जाम है। अच्छा, नहीं मैं, आप ये पढ़ के चले जाना, मैं BSc की तो नहीं करा रही, लेकिन हाँ ये है कि तुम्हारे हरियाणा पुलिस की जरूर करा दूंगी। अच्छा, सुबह सुबह काम हो वह सोनी कुड़ी, काम जल्दी सी कर लिया करो, चाहे बाद में कर लिया करो। 9:30 बजे मुझे सारे मिलने चाहिए, ठीक है? हाँ बिल्कुल कृष्ण कश्यप, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। चलो अब बाय सबको, मिलते हैं कल, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सभी क्लास में आए, और उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें आपको रिवाइज हो गई होंगी। अगर रिवाइज नहीं हुई है तो एक बार रिवाइज करके आना, और यहाँ की यहाँ आपको याद करा के, इस चीज की गारंटी मेरी है कि यहाँ की यहाँ याद करा के छोड़ूंगी आपको, ठीक है? ताकि आपका एक भी आपका गलत ना हो। चलो मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे, धन्यवाद। चलो मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।